कांग्रेस के सरकार के समय में एक क्राइम जगत को, क्राइम वर्ल्ड को क्या लगता है, हमको सेफ्टी है, हमको रक्षा करने वाले हमारे एमएलए है, हमारे मंत्री है, ऐसे उनको लगता है। ऐसा ही कर्नाटक में हुआ, पूरा इतने बड़े बड़े तलवार ईद मिलाद के जुलूस में लगाया गया था, प्रदर्शन किया गया, कोई भी एक्शन नहीं, क्योंकि उनको लगता है हमारा सरकार है। क्रिमिनल्स को लगता है ये सरकार, कांग्रेस के सरकार हमारा है, द सेंस ऑफ ओनिंग ये रहता है ना, ये हमारा है, ये सेंस उनके मन में आ जाता है। और मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एवरी एमएलए और एवरी मिनिस्टर हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर, उनने उनके क्षेत्र में वही मुख्यमंत्री है। जब अवैध पैसा, अवैध खनन, अवैध पैसा ये सब होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए इलीगल माइनिंग, पेपर लीक, अत्याचार, करप्शन ये सब देखते हुए मैं चुनाव आज घोषित हुआ इसी समय पर भरतपुर से आपके माध्यम से मैं जनता को फिर से एक बार मैं निवेदन करता हूं, इस भ्रष्ट और एक तरह से क्रिमिनल के प्रोटेक्शन देने वाली इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। राजस्थान जनता को गहलोत सरकार से कोड ऑफ कंडक्ट के कारण से भी उनके भ्रष्टाचार वगैरह को रोक, क्योंकि डे टू डे डिसीजन नहीं होता है, भ्रष्टाचार चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम में कम होता है। इस तरफ से देखते हैं तो एक तरह जनता को इनके कुशासन से मुक्ति मिल रहा है, और हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति 23 तारीख को जनता देने का निर्णय किया है, तो मुझे पूरा विश्वास है। और स्वयं राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये स्वीकारा है, पहले उन्होंने ये कहा कि जो हम योजना स्कीम्स हम अनाउंस किए हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट ही है, कुछ नहीं किया है, उसको बीजेपी बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट था। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने स्वीकारा है। आज भी, आज मीन कल, जब सबको एक अंदाज़ा था कि अब जब चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले जा रहे हैं, सबको पता था कि आज डेट अनाउंस होने वाला है, टाइम टेबल अनाउंस, उससे जस्ट सात आठ घंटा पहले उन्होंने हर तरह का अपॉइंटमेंट का घोषणा की है और उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी दिया है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने अपने लोगों को तुरंत अपॉइंटमेंट करने का निर्णय किया है। गैंगवार के बारे में तो आप देखा है, आप स्वयं विटनेस है, जो अपराधी को जयपुर से इधर ले आ रहे थे, तो अपराधी स्वयं कह रहे थे मुझे थ्रेट है करके, तो पुलिस कस्टडी में आके उनको मार के चले जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है?
जैसे आप जानते हो धौलपुर के इधर के MLA दलित एक इंजीनियर को कैसे पिटाई की थी और उनका स्थिति उनके हाल क्या बन गए। और भरतपुर में एक संत ने विजयदास जी महाराज इल्लीगल माइनिंग के विरोध में आमरण उपवास आत्मदाह करना पड़ा, फिर भी सरकार को कुछ भी उनके मन में कुछ भी पश्चाताप नहीं है। जिसको टिकट नहीं मिला है, जो इसको थोड़ा दुख स्वाभाविक रूप से होता है, उन लोगों से बातचीत करने का एक व्यवस्था पार्टी में है, वो ऑलरेडी व्यवस्था हमने शुरू किया है, बातचीत का श्रृंखला चालू है, वो ठीक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी है, तो इसलिए हमको मुझे पूरा विश्वास है ऐसे कुछ होगा नहीं। और उसके साथ जो दूसरी सूची का आप बता रहे, बहुत जल्दी हो जाएगा, वो मान चुके हैं और उनको भी स्वयं विश्वास आ गया कि उनकी सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार बन रही है। 5 वर्ष में राजस्थान में दो लाख से ज़्यादा महिला अत्याचार का मुकदमे रिकॉर्ड हुआ है, 2 लाख। 30,000 से ज़्यादा के रेप केसेस हुआ है। पूरे देश में क्राइम रेट में राजस्थान नंबर 1 है, यही इनका अचीवमेंट है, द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मिस्टर अशोक गहलोत। ही हैज मेड नंबर 1 इन क्राइम अगेंस्ट दलित, क्राइम अगेंस्ट महिला, भ्रष्टाचार। अभी 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में दो लड़की जो सिस्टर्स हैं वो आत्महत्या की, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि ये मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ। बाद में आत्महत्या के लिए उनको कंपल्शन किया गया।